किसान भाइयों एप्पल बेर की खेती में हमने यहाँ पर कुछ कश्मीरी रेड एप्पल बेर लगाया हुआ है और यहाँ पर कुछ ग्रीन एप्पल बेर भी लगे हुए हैं जो हमारा रेड एप्पल बेर है अभी ये जो है थोड़ा सा फूलना शुरू हुआ है लेकिन अभी इसके पकने का समय नहीं आया हुआ है और इसका स्वाद कैसा होता है ये भी अभी अच्छे तरीके से हमें पता नहीं है क्योंकि कुछ ही ऐसे फल हैं जो थोड़ा सा अभी इसमें फूलना शुरू हुए हैं इनको खाने पर जो स्वाद आता है उससे अच्छा स्वाद अभी हमें जो कश्मीरी वाले जो ग्रीन एप्पल बेर आते हैं उनके अच्छे पके फलों का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये ग्रीन एप्पल बेर है ये अभी कुछ फल जो थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गए हैं तो यहाँ से इसकी तुड़ाई भी हो रही है और अभी का जो समय है आज की तारीख 26 जनवरी 2021 है तो इसके जो फल हैं पहले से ही पकना शुरू हो गए हैं और इसके जो फल हैं फरवरी तक ये पककर ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो हमारी वैरायटी है ग्रीन वाले एप्पल बेर की ये थोड़ी अगैती वैरायटी है इसमें फलों की साइज की बात करें तो इसमें जो फलों की साइज़ है ये 80 ग्राम से 160 ग्राम तक होता है यदि आपके पौधों में वो फलों की संख्या अधिक आई है तो आपका 80 ग्राम 100 ग्राम के या उससे थोड़ा छोटे भी फल बन सकते हैं लेकिन यदि कम संख्या में फल हैं तो फलों का जो साइज़ है आपका जो खाद आपने दिया है और आपने जो टॉनिक दिया है इन सब के प्रयोग से आप उसका जो साइज़ है 140 ग्राम 150 ग्राम 160 ग्राम तक के भी साइज़ के फल हमारे बागों में निकल रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें आप जो ग्रीन एप्पल वेर है यहाँ से प्रोडक्शन अधिक मिल रहा है इसका जो समय है ये फरवरी तक ही ये रहता है और शिवरात्रि का जो समय आता है तब तक मुश्किल से ही कुछ फल बचते हैं तो ये तब तक खत्म हो जाता है रेट की बात करें तो ग्रीन एप्पल बेर का अभी का जो रेट है ये बत्तीस रुपये पैंतीस रुपये तो और तीस रुपये ऐसे जहाँ जैसे आप बेच ले जाएँ इस हिसाब से ये रेट जा रहा है और ये रेट की बात कर रहे हैं जो 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी की बात कर रहे हैं आप दो तीन कुंटल चार क्विंटल इकट्ठे में बेचते हैं तो आपका रेट यहाँ से और डाउन जाएगा किसान भाइयों यहाँ पर कश्मीरी रेड एप्पल बेर की बात करें तो इसके जो फलों की साइज़ है ये छोटी है लेकिन ये जो फल है देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं रेड कलर में है और देखने में अच्छे लगते हैं तो इस वजह से हो सकता है कि मार्केट में इसका रेट अधिक मिले क्योंकि इस बार पहली बार हमने रेड वाले का यहाँ पर फार्मिंग किया हुआ अभी तक मंडी में नहीं गया है थोड़ा सा इसमें कुछ फल पकते हैं तो इसकी फल की हम ऐसे तुड़ाई करके थोड़ा स्वाद लेते हैं ये देख सकते हैं पकने के बाद इसका जो है जो कलर है काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं ये करीब 40 ग्राम के आसपास होगा और थोड़ा और बड़ा हो जाए तो 50 से 60 ग्राम के साइज़ का इसमें हो सकता है लेकिन इसके फलों का जो साइज़ है ये छोटा है मार्केट में इसका रेट कैसा रहता है ये आगे देखने की बात है और ये जो वैरायटी है ये मार्च तक चलेगा आगे इसमें अप्रैल में भी कुछ समय ये जा सकता है तो इस तरीके से ये लेट वैरायटी है फलों का साइज छोटा है तो इस तरीके से उत्पादन भी कम मिलेगा स्वाद अभी हम एग्जैक्ट इसका बाद में ही बता पाएंगे जब फल अच्छे तरीके से पकेंगे तो दोनों में कौन सा अच्छा स्वाद वाला है लेकिन यदि ग्रीन एप्पल बेर बहुत अच्छे से पक जाता है आप यहाँ पर बर्ड नेट लगाते हैं चिड़ियों का खतरा नहीं रहता अच्छे से पक जाता तो इसका स्वाद हमें काफ़ी अच्छा लगता है इसमें रस भी होता है और ये वाला जो एप्पल बेर है इसका मिठास तो होगा ही लेकिन रस इसमें थोड़ा सा कम रहता है तो आगे जब अच्छे से पकता है फिर इसका स्वाद कैसा आता है ये अलग बात है फिर इसमें आप इसकी जो बिक्री रेट है यदि इसका जो बिक्री रेट है ग्रीन वाले से दोगुना होता है या इसका जो है कुछ और दोगुने से कुछ कम ही होता है मतलब कि ओवरऑल इस, इसका प्रॉफिट यदि रेट पर डिपेंड करता है रेट अधिक मिलता है और ओवरऑल पौधे का जो प्रोडक्शन की बात करें तो हाफ़ ही, ही रहेगा यदि इसका चालीस के आता है तो इसका आपका 20 से 25 के जी आएगा तो रेट का आपका दोगुना होता है तभी इसे इसकी खेती करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि जो ग्रीन एप्पल बेयर है इसकी खेती पहले से ही होती आ रही है कई क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत अधिक संख्या में हो गई है तो इसके रेट काफ़ी डाउन हो गए हैं कहीं कहीं पर पंद्रह रुपये के जी भी होल सेल रेट जा रहा है तो इस भी तरीके से आप यदि ग्रीन एप्पल बेयर की अपेक्षा आप यहाँ पर रेड एप्पल बेयर की बात करें तो ये आगे इसका एक स्कोप है कि इसकी बिक्री रहेगी और हो सकता है इसका रेट अभी कुछ ऊँचाई तक बना रहे तो आने वाले कुछ सालों में इसकी खेती फ़ायदेमंद भी हो सकती है तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप चयन कर सकते हैं कि आपको कौन से बेर की खेती करना ज़्यादा सही रहेगा आप ये ग्रीन वाला एप्पल बेर की खेती करना ठीक रहेगा ये आपको रेड वाले एप्पल बेर की खेती आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी तो किसान भाइयों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार